नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल दद्दा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। चलिए गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, मैं बर्बाद हो गया। मेरा मोज फॉर क्रिएटर से जो मेरा सिलेक्शन था वो रिमूव हो गया। मुझे मोज एप्लीकेशन ने मोज फॉर क्रिएटर से हटा दिया है फाइनली। ऐसा ही कुछ आप में से एक प्यारे दोस्त का कमेंट आया है और क्यों उसने जो है उसकी आईडी को रिमूव किया है मोज एप्लीकेशन ने, आपको जरूर जानना चाहिए। और आपको अपनी खुद की आईडी पर ये बड़ी मिस्टेक, बिग मिस्टेक आपको बिल्कुल से नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक गलती कर देते हो, अगर आप अपनी मोज एप्लीकेशन की आईडी पर ओनली एक गलती कर देते हो, एक गलती करने से मोज एप्लीकेशन आपकी जो भी एक महीने, दो महीने, चार महीने, छः महीने की मेहनत होती है वो तो फाइनली बर्बाद हो जाती है। और मोज एप्लीकेशन आपको मोज फॉर क्रिएटर से एकदम से हटाकर बाहर कर देता है। तो आपको अपनी आईडी पर क्या कुछ मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। और गाइज, अगर आपका जो है मोज फॉर क्रिएटर से मोज एप्लीकेशन अगर आपको रिमूव कर देता है तो आपकी आईडी पर क्या कुछ शो होता है, कैसे आपको पता चलेगा कि मुझे मोज एप्लीकेशन ने फाइनली अभी रिमूव कर दिया है। अभी तक आपको आपका सिलेक्शन हो रहा था और अभी मोज एप्लीकेशन के पास बहुत सारे मोज फॉर क्रिएटर हो गए तो वो रिमूव करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो इसलिए गाइज, मैं आपको आज की ये वीडियो भी लेके आया हूँ कि आपको अपनी आईडी पर, मोज एप्लीकेशन की आईडी पर एक गलती नहीं करनी चाहिए। और वो क्या है, चलिए चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन में। अभी तक मोज ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, भाई जल्दी से इंस्टॉल कर सकते हो। आप अपनी 5 वर्जनल वीडियो बनाकर अपलोड करो, एमएफसी के लिए अप्लाई कर दो। एंड गाइस, जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है आप भी पर मंथ 20,000 रुपये तक की आप अर्निंग कर सकते हो। तो अभी गाइस, अगर आपने एक मिस्टेक कर दी तो गाइज अभी आपका जो भी मोज फॉर क्रिएटर में सिलेक्शन होता है उससे आपको मोज एप्लीकेशन निकाल कर बाहर भी कर दे रहा है और करना स्टार्ट कर दिया है लोगों को। और उसको बिल्कुल भी इस बात का दर्द भी नहीं होगा कि उसने आपको मोज फॉर क्रिएटर प्रोग्राम से हटा दिया है, रिमूव कर दिया। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। बहुत सारे लोग अभी यार मोज एप्लीकेशन से जुड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग ऑलरेडी मोज फॉर क्रिएटर बन गए। तो ऐसी कंडीशन में गाइज अभी आपको जो है गलती क्या नहीं करनी चाहिए अपनी आईडी पर, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको मोज एप्लीकेशन मोज फॉर क्रिएटर प्रोग्राम से रिमूव कर देता है, हटा देता है, तो आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे जान सकते हो। तो यहाँ पर गाइज पहली और बड़ी बिग मिस्टेक आपकी ये हो सकती है कि भाई देखो गाइज, अगर आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट किया था आप उस कैटेगरी से हटकर वीडियो बनाओगे। मैं अक्सर वीडियो में आपको बताता हूँ कि भाई मोज एप्लीकेशन पर कैटेगरी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप कितने टाइम मोज फॉर क्रिएटर बने रहोगे या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो कैटेगरी को भाई बिल्कुल चेंज मत करना। जो भी आपने कैटेगरी एमएफसी में अप्लाई करते टाइम चूज किया था आप उसी कैटेगरी में डेली एक्टिव रहना। और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना कि आप डेली एक्टिव रहो। अगर आप ऐसा करते हो कि गाइज आप जो है एक दिन एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया, फिर आपको लगा यार चलो अर्निंग कम हो रही है, फिर आप जो है यहाँ पर दो हफ्ते तीन हफ्ते अगर आप वीडियो नहीं बना रहे हो और मोज एप्लीकेशन की टीम की अगर नज़र उस पर पड़ गई आपकी आईडी पर, तो आपको एक अगर आपका मोज फॉर क्रिएटर में सिलेक्शन हुआ है तब भी गाइज आपको यहाँ से रिमूव कर देगा, हटाकर आपको हटा देगा, बाहर कर देगा। तो यहाँ पर गाइज आपको ये दो मिस्टेक नहीं करनी, दो डेली एक्टिव रहना है और आपको अपनी कैटेगरी में ही आपको एक्टिव रहना है। और यहाँ पर एक बड़ी वाली मिस्टेक लोग कर रहे हैं और वो क्या है गाइज, कि जल्दी वायरल होने के चक्कर में, जल्दी फेमस होने के चक्कर में मेरे ज़्यादा फॉलोअर हो जाए, मेरी वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज आ जाए, वायरल हो जाए रातों रात, इसके चक्कर में अभी एक बड़ी मिस्टेक लोग कर दे रहे हैं। और जिस भाई ने कमेंट किया था उसका भी यही बोलना था, आई होप कि शायद किसने किया था आप कमेंट करके जरूर बताना। और अभी यहां पर गाइस आपको देखने को मिल जाएगा कि उसने गलती क्या की थी, कि उसका बोलना था कि अभी यार मोज एप्लीकेशन की तरफ से एक न्यू हैशटैग आया था जो कि अभी भी आप यहां पर आते हो तो गाइस आपको देखने को मिल जाता है, जय गणेश देवा, गणेश का कोई न्यू हैशटैग पर, किसी न्यू हैशटैग पर उस भाई ने जो है वीडियो बनाई थी गणेश जी की। और यहां पर उसने जो है क्या किया होगा कि उसने जो है कहीं से जो है उसने हटा, मतलब जो है कहीं से वीडियो को डाउनलोड किया होगा, उसका वाटरमार्क रिमूव किया होगा एंड उसके बाद अपनी आईडी पर उसको अपलोड कर दिया होगा। ज़्यादा वायरल होने के चक्कर में, ज़्यादा उसकी वीडियो पर व्यूज़ आ जाए, उसके फॉलोअर बढ़ जाए, इस चक्कर में ही उसने किया होगा। और उसको लगा होगा कि यार मोज एप्लीकेशन पकड़ नहीं पाएगा और मोज एप्लीकेशन का सिस्टम जो है भाई ना बहुत ज़्यादा तेज़ है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है मोज एप्लीकेशन और नंबर 1 पर है भाई अभी इंडिया में प्रेजेंट टाइम पर। तो यार ऐसे एप्लीकेशन पर अगर आप ऐसी बिग मिस्टेक कर देते हो कि कहीं से आप जो है वाटरमार्क को रिमूव करके आप अपनी वीडियो पर
जो है अपने आईडी पर वीडियो का वाटरमार्क रिमूव करके अगर आप अपलोड कर देते हो, तो फिर गाइज अगर आपका मोज एप्लीकेशन का अगर ध्यान नहीं पड़ा उसकी रिव्यू टीम का, तब तो भाई आप बच गए। अगर उसका ध्यान थोड़ा सा भी पड़ गया, जरा सा भी पड़ गया, तो मोज एप्लीकेशन की जो टीम है वो आपको एकदम से निकाल कर यहाँ पर बाहर कर देगी। तो ये बिग मिस्टेक आप मत करना, आप अपनी ही वीडियो डालना। आप किसी अदर ऐप पर अगर आप अपनी वीडियो बना रहे हो तो वहाँ से डाउनलोड करना, उसका वाटरमार्क रिमूव करके आप अपलोड करना। बट यहाँ पर मैं अपनी तरफ से आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अभी भाई यहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई है। अभी गाइज आप जो है अपने मोज एप्लीकेशन के कैमरे से ही वीडियो बनाओ एंड उसको अपलोड करो। बहुत ज़्यादा गैली वैली के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप बहुत बड़े स्टार हो, आप जो है अच्छा खासा फेमस हो गए, तब तो भाई आपका जो दिल है वो। बट गाइज अगर आप बहुत बड़े स्टार नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो, तो आप मोज एप्लीकेशन के कैमरे से ही वीडियो बनाओ। कि इसीलिए मोज एप्लीकेशन ने कैमरा दे रखा है। तो यहाँ पर ये भी एक मिस्टेक बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि गैली से जो है वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, तो ऐसा मत करना। और यहाँ पर एक और मिस्टेक है जो कि आपको अपनी आईडी पर नहीं करनी चाहिए, वो क्या है गाइज कि अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट गाइज आप जो है यहाँ पर आके आप प्रमोट मत करना। वरनी और अगर आप प्रमोट भी कर रहे हो तो आप डेली डेली मत प्रमोट करना, मतलब हर एक वीडियो में आप प्रमोट मत करना। और अगर आप करना चाहते हो, नाम मत लेना, जैसे मैं तो यूट्यूब लिख देता हूँ और टेक्निकल दद्दा, तो ऐसा तो हर एक एप्लीकेशन में चलता है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बट अगर आप जो है बार बार वीडियो स्पेशली उसके लिए बना रहे हो कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आप जाओ मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो, वहाँ पर मैं कुछ अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, या जहाँ से आप पैसे कमा सको, फेमस हो सको, या अगर आप ऐसा कुछ जो है अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करते हो, ऐसी वीडियो बनाते हो कि भाई मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं आपको जो उस एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, जो उस एप्लीकेशन से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, या अभी जो है टिक शॉर्ट ऐप का भी लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, टिक शॉर्ट ऐप के बारे में आपको बताता हूं। अगर जो है आप अपने यूट्यूब चैनल को भी प्रमोट कर रहे हो और साथ में आप किसी दूसरे एप्लीकेशन का भी प्रमोशन आकर आप यहां पर कर रहे हो, तो ये भी बिग मिस्टेक हो जाएगी आपको। अब यहां पर मैं अपने चैनल को प्रमोट कैसे करता हूं कि भाई अभी मोज एप्लीकेशन पर ये अपडेट आ गई है, मोज एप्लीकेशन पर वो अपडेट आ गई है, जिसकी कंप्लीट जानकारी मैंने यूट्यूब चैनल पर दे रखी। तो ऐसे गाइस अगर आप प्रमोट करोगे तो मोज एप्लीकेशन को भी लगेगा कि हाँ यार ये मोज एप्लीकेशन की कुछ जानकारी दे रहा है, ना कि ये किसी दूसरे एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा है। तो ये यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देना। और यहां पर गाइज अगर आपको मोज फॉर क्रिएटर प्रोग्राम से अगर आपको बाहर कर दिया जाता है तो कैसे गाइज आपको पता चलेगा? तो यहाँ पर गाइज सिंपल है, जैसे ही आप अपनी आईडी पर आओगे, ऊपर ट्रिपल लाइन पर क्लिक करोगे, क्रिएटर टूल्स पर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर मोज फॉर क्रिएटर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, वेलकम टू मोज फॉर क्रिएटर की जगह पर बेटर लक नेक्स्ट टाइम अगर आपको देखने को मिलता है, यू कैन अप्लाई आफ्टर जो है यहाँ पर 30 days 20 days ऐसा कुछ सीन अगर आपको अचानक से देखने को मिलता है, मतलब पहले तो आपकी आईडी पर वेलकम टू मोज फॉर क्रिएटर ऐसा लिखा हुआ आ गया था, आपका मोज फॉर क्रिएटर में सिलेक्शन हो गया था, और अचानक से गाइज अगर आपकी आईडी पर यहाँ पर ऐसा बेटर लक नेक्स्ट टाइम देखने को मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि आपको मोज एप्लीकेशन ने मोज फॉर क्रिएटर प्रोग्राम से हटा दिया, रिमूव कर दिया। अभी आपको क्या करना चाहिए कि अभी आपको जो है आप 30 दिन के बाद जो है आप फिर से रीअप्लाई कर सकते हो। और आपने जो भी मिस्टेक की है, मिस्टेक आप क्या की होगी अपनी आईडी पर, आगे एक्सप्लेन कर दिया, उसको आप जो है उस वीडियो को आप हटा दो, डिलीट कर दो। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो आप एक्टिव रहना स्टार्ट कर दो। और भी कुछ मिस्टेक्स हैं, आपने आई होप की पूरी वीडियो कम्प्लीट वॉच किया होगा, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और अभी यहाँ पर गाइज आपको वेट करना पड़ेगा, जितने टाइम का आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है, उसके बाद आपको फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा एमएफसी में। और रीअप्लाई करने के बाद एमएफसी में गाइज आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, और मोज फॉर क्रिएटर में आपको सिलेक्शन मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी मुझे जो लगता है। तो यहाँ पर आप मिस्टेक बिल्कुल ना करें। अगर आपका मोज फॉर क्रिएटर में सिलेक्शन हो जाता है तो आप ये मत समझें कि मैं अभी कुछ भी वीडियो बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं करना है गाइज। अगर आपको मोज एप्लीकेशन से अर्निंग करनी है, आई होप कि गाइज आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चलते हैं गाइज मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।